नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल कंपटीशन ककर में। और आज हम बात करने वाले हैं जीके क्वेश्चंस जो सिंडिकेट बैंक का एग्ज़ाम हुआ है आज 25 फेब को, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस के और जीके के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस आए थे टोटल, तो हमारे पास करीबन 20-25 क्वेश्चंस आए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर और क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहते हैं या फिर और क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे दोबारा, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको डिटेल एग्ज़ाम एनालिसिस जानना है हर एक सेक्शन का कि कैसा एग्ज़ाम आया ओवरऑल और कितनी कट ऑफ जाएगी, तो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को, नए वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो वो आप मिस ना कर पाएं और सबसे पहले देख पाएं। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, वो आपको कैनरा बैंक पीओ और SBI क्लर्क के लिए बहुत काम आएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्टैटिक जीके और जो आपकी होती है करंट अफेयर्स, उन दोनों को मिला के आए हैं। ये नहीं है कि सारी जीके आई है या फिर ज़्यादातर कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चंस भी आए हैं फाइनेंस से या फिर जो बैंकिंग अवेयरनेस होती है, तो मिक्स रहा है तीनों सेक्शंस का, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बैंकिंग अवेयरनेस। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? तो आपको पता ही होगा दोस्तों मलेशिया की करेंसी क्या है, मलेशियन रिंगिट, RINGIT। तो ये है मलेशिया की करेंसी। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका मैं आपको बता दूं, ये है रोम इटली में, ठीक है। मतलब स्टैटिक जीके ये क्वेश्चंस हैं और आपको पता ही है करेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, एक हेडक्वार्टर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह का ट्रेंड चल रहा है आजकल फिर दोबारा स्टैटिक जीके में, ठीक है। गोविंद सागर इज़ अ मैन मेड रिजर्वायर सिचुएटेड इन, किस स्टेट में सिचुएटेड है गोविंद सागर रिजर्वायर या फिर जो आपका रिजर्वायर है, ठीक है। तो ये जो रिजर्वायर है ये भाखड़ा नंगल डैम यानी कि आपका अलग से है जो है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे सिचुएटेड है आपका गोविंद सागर रिजर्वायर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये नया क्वेश्चन है एक, इसका एक इन्होंने हेडक्वार्टर पूछ लिया है, तो ये रिसेंटली एक न्यूज़ में रहा है तो इसके कारण इन्होंने इसका हेडक्वार्टर पूछा है। तो अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है दोस्तों, ये था चेन्नई में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ NaCH? NaCH की इन्होंने फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। ये है आपका बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन है, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग CLEARING हाउस, ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। वेन्यू ऑफ IAAIB चैम्पियनशिप, एक ये फुटबॉल चैम्पियनशिप होती है या सॉरी बास्केटबॉल AIBA चैम्पियनशिप, तो 2017 में ये कहाँ पे हुई थी, तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर है जर्मनी के एक सिटी में हुई थी ये, और उस सिटी का नाम है हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। एवरी ईयर 4th जैन को हम क्या मनाते हैं, कौन सा डे मनाया जाता है आपका 4th जैन को एवरी ईयर? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस डे का नाम है वर्ल्ड ब्रेली डे, ठीक है। तो ये डे मनाया जाता है 4th जैन को। तो बरेली जो एक लैंग्वेज होती है, जो हमारे डिसेबल्ड होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनके लिए एक लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज होती है, तो ये वर्ल्ड बरेली डे आपका 4th जैन को मनाया जाता है। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? तो आप देख रहे हैं दोस्तों हेडक्वार्टर से रिलेटेड या
स्टैटिक जीके से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं और मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, कोई इजी क्वेश्चंस नहीं लग रही है आपको, ठीक है? तो वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? इसका आंसर है लंदन में, ठीक है? लंदन तो आपको पता ही है, यूके में है, तो यहाँ पे सिचुएटेड हैं आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हेड क्वार्टर्स। मानिक बनर्जी किस फील्ड से रिलेटेड हैं, क्या है इनका प्रोफेशन, क्या है? तो इनका प्रोफेशन पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इनका प्रोफेशन है आपका माउंटेनियर हैं, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो उनको हम माउंटेनियर्स कहते हैं। तो ये मानिक बनर्जी उस फील्ड से रिलेटेड हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज 2017 हुई थी, एक मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स, इवन मोदी भी गए थे। तो ये फ्रेमवर्क मीटिंग जो हुई थी, ये कौन सी सिटी में हुई थी? तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था, तो ये इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था। तो ये भी एक जर्मनी की सिटी है, तो इस सिटी का नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस सिटी का नाम है बॉन, BON, बॉन है जर्मनी में, ठीक है? तो ये वहाँ पे हुई थी आपकी क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। इम्फाल, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैपिटल सिटी कहाँ की है, ठीक है? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये है मणिपुर की, ठीक है? जहाँ पे रिसेंटली आपके इलेक्शंस हो गए हैं। अयोध्या ऑल्सो नोन एज साकेत इज़ एन एंशंट सिटी ऑफ इंडिया, बिलीव टू बी बर्थ प्लेस ऑफ राम एंड सेटिंग ऑफ एपिक रामायण। अयोध्या लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर, कौन से रिवर के बैंक पे, किनारे पे है, ठीक है? तो ये है आपके कौन सी तो कौन सी फेमस रिवर के किनारे पे है आपका अयोध्या? ये है सरायू रिवर। सरायू रिवर के बैंक्स पे आपका अयोध्या लोकेटेड है। तो स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ करंट अफेयर्स से हैं और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस से। नेम द कंट्री विच विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2008, इस साल ब्रिक्स की समिट कहाँ पे होने वाली है? तो एक क्वेश्चन समिट से आ गया, ये है जहाँ पे अभी आप जीत के आई है हमारी इंडियन टीम, वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है? साउथ अफ्रीका में आपकी समिट होगी 2018 की ब्रिक्स की। नेम द मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेशन, इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है? तो इसका सेंसस का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है? तो ये है इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए इन PCA? PCA की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ आपको, तो वो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इसमें ए का आपको मीनिंग पूछा होता है, ए का आंसर है एक्शन। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, तो चलते हैं आगे। और ये देखिए हेडक्वार्टर्स ऑफ सिड भी पूछे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हेडक्वार्टर से आए हुए हैं, बहुत ही बैंकिंग किसी सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। और हेडक्वार्टर्स ऑफ सिड भी कहाँ पे हैं आपके? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है? सिड भी आपको पता ही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है आपका, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी ऑफ कम्बोडिया, अगेन करेंसी का एक क्वेश्चन आ गया, करेंसी स्टैटिक जीके बहुत पूछी हुई है एग्जाम में। तो आने वाले एग्ज़ाम जो हैं कैनरा बैंक PO और आपके SBI क्लर्क, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टैटिक जीके करके जाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। करेंसी ऑफ कम्बोडिया है आपकी रियल, RIEL, ठीक है? दिस इज़ द करेंसी ऑफ कम्बोडिया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था NPC के रिगार्डिंग, जो हमें अभी पूरा क्वेश्चन मालूम नहीं हो पाया है। एक क्वेश्चन था द्रोणाचार्य अवार्ड, काफ़ी सारे जनों को मिलता है, तीन चार जो आपके कोचिज होते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है? जो गुरु होते हैं, कोचिज होते हैं वेरियस फील्ड्स में, तो उनको ये अवार्ड मिलता है द्रोणाचार्य। तो वो पूरा क्वेश्चन हमें मालूम नहीं पड़ पाया है कि 2017 का पूछा हुआ था द्रोणाचार्य अवार्ड। एक क्वेश्चन था रेपो रेट के रिलेटेड, ठीक है? और एक क्वेश्चन था आपका DICGC, जो आपकी अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं इसकी क्या होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट
गारंटी ऑपरेशन, क्रेडिट गारंटी गारंटी कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। तो जो आपका बैंक में पैसा होता है जो आप जमा करते हैं, उसको अगर कुछ बैंक अगर डूब जाए तो जितना भी पैसा है आपकी उसकी गारंटी लेते हैं वो कौन सी कॉरपोरेशन लेती है? DICGC। तो ये लिमिट देते हैं 1 लाख तक। अगर आपका सेविंग अकाउंट में 1 लाख, आपको ये रिस्क जो रहता है उसमें 1 लाख क्लेम मिल सकता है अगर आपका बैंक डूब जाए। तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे हुए थे, और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो बना के और शेयर करूँगा। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो वो तो वो शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए आज के एग्ज़ाम का सिंडिकेट बैंक PO का, ताकि आपको आगे हेल्प मिल पाए कैनरा बैंक PO और SBI क्लर्क के लिए, तो मैं वो भी वीडियो बना के जल्द से जल्द डालने वाला हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू।